The lithosphere or the crust is the outermost solid layer of the earth. And there is where we live. And वैसा layer, जिस layer में हम लोग रहते हैं, उसी layer को क्या कहा जाता है? Lithosphere. Next question is, what do you mean by biodiversity? What do you mean by biodiversity? Biodiversity क्या होता है? देखते हैं. Different types of species. Different types of species in biosphere is called biodiversity. And different types in biosphere में different types of species मतलब क्या होता है? Species मतलब होता है प्रजाति, है ना? तो biosphere में बहुत तरह के प्रजाति पाए जाते हैं, है ना? इसलिए उसको कहते हैं biodiversity. जैसे कि जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ आ जाएगा. वैन है और बहुत कुछ है. इसलिए इसको बोलेंगे different types of species in biosphere is called biodiversity. अब नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भर दो. इसमें क्या है देखते क्या है. एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, एनवायरनमेंट दो तरह का होता है. पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट मेरा दो तरह का होता है. उसका क्या क्या होता है? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है द फेनोमेना ऑफ वेदर is limited to lower most layer. And if the phenomenon weather, and if this layer में जो है मौसमी घटनाएं जो होता है, है ना? जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होता है, सब किस layer में होता है? Lower most layer में होता है, है ना? और नीचे का ये layer में होने होता है, मौसमी घटनाएं होता है, तो lower most layer में जितने भी मौसमी घटनाएं होता है, सब lower most layer में होता है. नया होता है, rain increases, rain increases the level of underground water. Underground water में क्या होता है? Underground water में वो सब water जैसे कुआं का पानी, चापाकल का पानी, है ना? जिसको हम पीते हैं, उसी को बोलते हैं underground water बोलते हैं. तो rain क्या करता है? उस underground water का layer, underground water का layer जो है, उसका अस्तर जो है, उसको बढ़ा देता है. गर्मी के दिनों क्या होता है? Underground water जो होता है, तो कुआं का पानी जैसे सूख जाता है, है ना? तो पानी पर जैसे ही धीरे धीरे बरसात होती है तो देखते हैं क्या है, कुआं का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, है ना? तो वही बोलता है कि when rain increases the level of underground water. Next है human made environment depend upon man. human made environment मतलब ऐसा environment जो human द्वारा बनाया गया हो उसको बोलते हैं human made environment. तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है डिपेंड किस पर करता है? मैन पर. यानी मैन द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. तो बच्चों आज हम लोग देखे हैं दो क्वेश्चन देखे हैं, है ना? तो इसको आप लोग क्वेश्चन को रिपीट करना है, रिपीट कर लीजिएगा दो बार और इसको याद कर लीजिएगा. बाकी इसको भी पढ़ दो तीन बार पढ़िएगा, है ना? और लिखे के दो और लिखे के बाद आप अपने हिसाब से याद रहेगा. इसलिए हम लोग इसका बोलते हैं रिपीट टू टाइम. ठीक है, थैंक यू. इसको आप लोग